बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत ही इंतज़ार करवाया है डॉक्टर सानिया निश्चर साहिबा ने, लेकिन आखिर वो आ गई। और डॉक्टर सानिया साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सलामकुम। डॉक्टर सानिया साहिबा से आज बहुत स्पेशल बात करनी है। इन्होंने एक किताब लिखी है, एहसास 2047, सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल, मतलब एहसास 2047, समाजी तहफ़ सबके लिए। 300 सफ़ात की किताब है, उस पर आज बात करेंगे खास तौर पे। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको डॉक्टर सानिया साहिबा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से कराता हूँ, बिकॉज मेरा ख्याल है लोगों को मेजर ऑफ द पर्सन नहीं है। उनको पता नहीं कि ये जो खातून है, ये किस क्या वजह थी कि इन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से एहसास को लॉन्च किया। डॉक्टर साहिबा कार्डियोलॉजिस्ट हैं बाय ट्रेनिंग, किंग पिशावर से इन्होंने पढ़ा था, खैबर से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर इसकी वजह से नहीं है, इनके पास एक पीएचडी है किंग्स कॉलेज लंदन से, और उसके बाद इनके पास डॉक्टरेट ऑफ साइंस भी है। तो ये ट्रिपल डॉक्टर है, एक ये मेडिकल डॉक्टर है, एक ये पीएचडी डॉक्टर है, एक ये डॉक्टर ऑफ साइंस की भी डिग्री मिली है किंग्स कॉलेज ने, ये आम लोगों को नहीं मिलती। सेनेटर हैं, सितारे इम्तियाज मिला हुआ है, और ये इंटरनेशनल फोरम्स में इन्होंने बहुत 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 बड़ी बड़ी पोल वॉल्ट्स की है। माशाल्लाह, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, अमेरिका की जो इंटरनेशनल नेशनल एकेडमी हेल्थ केयर में उनके एडवाइजरी ग्रुप में इन्होंने काम किया है, जर्मनी की फेडरल गवर्नमेंट की जो हेल्थ एडवाइजरी कमेटी है ग्रुप, उसके अंदर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और ये 2 दफ़ा तकरीबन तकरीबन चोटी के इंटरनेशनल पोजीशंस पे आ गई। एक दफ़ा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल की जो वोटिंग थी उसमें ये बस तकरीबन पहुंच गई थी। 28 वोट थे इनके, शायद इनको शायद 40 या 45 चाहिए थे, और तीसरे नंबर पे वो इंग्लैंड के नॉमिनी थे जिनको शायद 18 वोट मिले। और जब ये मौजूदा जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, जब ये स्टेप डाउन किए इन्होंने यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, तो डॉक्टर साहिबा तकरीबन वहां भी पहुंच गए। डॉक्टर साहिबा, मेरे लगता है आप यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल बन जाएगी जिस तरीके से, और एहसास जो आपके, माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। डॉक्टर साहब, ये किताब बड़ी जबरदस्त आपने लिखी, और 300 सफ़ात पे मैंने बड़ी कोशिश की कि उसको पूरा पढ़ लूं। पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन स्किम थ्रू मैंने पूरी की है, चीजें चीजें मैंने इसकी चीजें पढ़ ली हैं। ये किताब के मुतालिक मैंने आपसे सवाल पूछे, लेकिन मैं लोगों को सिर्फ एक दफा रिमाइंड करा दूं कि ये जो प्रोग्राम था एहसास, और साहब भाई ये मैं दिखाना चाहता हूँ ग्राफिक लोगों को, कि ये जो प्रोग्राम एहसास था इसमें 16 एलिमेंट्स थे। मुझे पता है आप बात करेंगी, इसमें इमरजेंसी कैश, कफालत, स्कूल की स्टाइपेंड, नशोनुमा, स्कॉलरशिप थी, औरतों के लिए बैंक अकाउंट, पनागा, लंगर, भूखा ना कोई सोए, यतीम खाने, राशन रियाया, राशन यूनाइट इसके अंदर यूटिलिटी स्टोर में, तहफ़ रेड़ी बांध, आमदन, इंटरेस्ट फ्री लोन। ये मैं सिर्फ इसे दिखा रहा हूं कि लोगों को पता चले कि इसकी क्या, कितनी इसकी इसकी स्प्रेड थी। और एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जिसको जोड़ते हैं कि ये वो एक बहुत छोटा सा इसका एक हिस्सा था जो कि। तो डॉक्टर साहिबा, किताब के मुताबिक बताइए ये क्या है, वो ये व्हाट इज दिस बुक से जो हमें ऑलरेडी नहीं पता। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक किताब का ताल्लुक है तो देखिए, हमारे पब्लिक सेक्टर में ख़ास तौर पे ये कल्चर नहीं है कि आपने अपने गवर्नमेंट में सर्व किया है, आप एक इम्पॉर्टेंट रोल पे रहे हैं, आप गवर्नमेंट पर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रही है, पब्लिक पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, आपने यू टच अ लॉट ऑफ लाइव्स, आपने लार्ज स्केल एग्जीक्यूशन की है, और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो इवैल्यूएशन है या जो जो प्रोसेस है, आप उसको डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि यू आर अ कस्टोडियन ऑफ एक्सपीरियंस एंड इट्स वाह, बाइंडिंग ऑन यू टू शेयर दैट, नंबर वन। दूसरा ये कि एक हैंड ओवर, एक ऑफिशियल हैंड ओवर प्रोसेस होता है। तो जब मैं 2013 में पहली दफ़ा केयर टेकर मिनिस्टर थी तो 3 मिनिस्ट्रियाँ मेरे पास थी,
जब मैं अपने ओहदे से उतरी तो मैंने एक 20 दिन लगा के एक हैंड ओवर नोट लिखा। वो हैंड ओवर नोट अल्टीमेटली 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट बन गया कि जी जब मैं आई थी तो ये चीज़ें मुझे मिली थी, ये मैंने किया और ये लिमिटेशंस थी, ये चैलेंजेस थी। और अब मेरी रिकमेंडेशन है जो इलेक्टेड मिनिस्टर के लिए कि ये स्टेप्स आप करें। तो वो तो 3 महीने का सफ़र था, मगर इस दफ़ा तो 3.5 साल था और बड़ी मैसिव एग्जीक्यूशन हुई। तो ये किताब जो थी बेसिकली एज अ हैंड ओवर पेपर शुरू हुई जब अप्रैल 2022 में व्हेन आई स्टेप डाउन, तो एज अ हैंड ओवर पेपर मैंने लिखना शुरू किया। और बड़ा टेक्निकल सा अकाउंट था कि जी ये 16 प्रोग्राम थे, ये उनकी फाउंडेशनल इनिशिएटिव्स थे गवर्नेंस की मद में, इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म की मद में, डेटा डिजिटाइजेशन, जो भी बेस जो उसकी फाउंडेशंस होती थी, ये 16 प्रोग्राम थे, ये स्ट्रेटजी थी, ये पॉलिसी थी, और यहाँ तक मैं ले गई। इसके आगे आप इसको यूं ले जाए तो आई टुक अ कपल ऑफ मंथ्स टू राइट दैट अकाउंट, प्योरली टेक्निकल। मगर फिर जब मैंने मूड देखा, जब मैंने डायनामिक्स देखे, तो आई रियलाइज कि उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अब मैं वो बिटरनेस में नहीं जाना चाहती कि कुछ मोटिवेशंस और हैं। और यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है कि एक मिनिस्टर दूसरे को चीज़ हैंड ओवर करता है और वो उसको आगे लेके चलता है, और आप फोन पे एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि जी ये क्या मसला है, इसका क्या करना है, आपका क्या ख्याल है। सो आई डिडंट थिंक दैट दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट। मीन वाइल जब मैंने इनफॉर्मली लोगों से किताब शेयर की, वो हैंड ओवर डॉक्यूमेंट शेयर किया, तो लोगों ने कहा कि इसमें तो ह्यूमन एलिमेंट डालो, जो तुम्हारी जो पर्सनल जो अकाउंट है वो डालो, जो चैलेंजेस हैं वो डालो, ह्यूमन अकाउंट, लोगों की स्टोरीज डालो। तो बस वो करते 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 वो एक्चुअली एक किताब की शक्ल उसने ले ली। फिर जब किताब इस शक्ल, क्योंकि मैंने पहले भी बुक्स पब्लिश की हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो जो आप पब्लिशिंग हाउस के पास जाते हैं उनकी फीडबैक होती, तो फिर ऐसे ये काम ये आगे बढ़ता गया। सो दैट्स अ लॉन्ग वाइंडेड वे ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन कि जी किताब है क्या। सो बेसिकली किताब में एक तो एहसास के पूरा जो प्लानिंग प्रोसेस है उसका, जो लाए अमल क्या था, उसकी विजन क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी, पहले 5 साल की स्ट्रेटजी कहाँ तक पहुँचे और आगे क्या करना है, पहले तो एक प्लानिंग और विजन लैंडस्केप। नंबर दो ये कि उसके प्रोग्राम्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि प्रोग्राम्स क्या थे, क्यों हुए, लोगों की लाइफ्स किस तरह टच की, चैलेंजेस क्या थे और इनको आगे कैसे लेके जाना है। नंबर तीन उसके जो जो सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स बने थे, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो डेटा का निज़ाम था, चाहे वो सर्वे था, चाहे वो पॉलिसी रिसर्च यूनिट, साइबर सर्वेलेंस यूनिट, इंटरनल ऑडिट, अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग में जो चीज़ें हुई, जो रिस्क एंड कंप्लायंस में हुई, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना, और तमाम जो करप्शन से मुतल्लिक जो सेफगार्ड्स बने। नंबर तीन उसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। फिर डिलीवरी मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया हुआ है कि जी डिलीवरी के क्या चैलेंजेस थे, जो डिलीवरी यूनिट हमने बनाया वो कैसे काम करता था। तो ये 4 चीज़ें किताब में आउटलाइंड हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस एक ह्यूमन फ्लेवर भी है, लोगों की स्टोरीज भी हैं, ट्रू स्टोरीज हैं, और कुछ कुछ मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ तक एक कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस आप सामने ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब मैं ये आपकी बात सुन रहा था तो मुझे अपना कंसल्टिंग का वक्त याद आ रहा था कि क्लाइंट जब काम मुकम्मल हो जाता है तो हम उसको प्लेबुक छोड़ के जाते हैं, अच्छे कंसल्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन प्लेबुक, स्टेप बाय स्टेप, मतलब द इडियट्स गाइड टू इम्प्लीमेंटिंग एहसास फॉर एग्जाम्पल। मुझे ये आपका, जब मैं ये देख रहा था और मैं आपके चैप्टर्स देख रहा था, किस तरीके से आपने 16 जो आपके इनिशिएटिव्स हैं उनको डिटेल में समझाया है, फिर अपना इकोसिस्टम बताया है, फिर अपना फ्रेमवर्क बताया, फिर आपने जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स है उसके बताया, फिर आपने क्रॉस कट, मतलब आपने हर चीज, मतलब लिटरली
हर चीज, करप्शन कैसे रोकी, ये क्या किया, मैंने लोग कैसे ढूंढे, मैंने टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया, मैंने डेटा का प्रोसेस ऑटोमेशन कैसे की, दिस इज अ कंप्लीट गाइड। ये तो डॉक्टर साहिबा लगता है कि अगर कोई मेक्सिको उठा ले फॉर एग्जांपल, वो इसको छापा मार के, दे कैन लॉन्च एन इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन द कंट्री, इज दैट ट्रू? देखिए, एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटी होती है, और जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि आप पर ये लाजिम है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि एज अ पब्लिक गुड, ताकि उससे और उससे अगर कुछ अखज़ करना चाहें, सीखना, तो मैं इन ह्यूमिलिटी नहीं कहना चाहूँगी, पर कुछ इन्फ्रेंसेस उससे लेना चाहें, कुछ एक्सपीरियंस पे ड्रॉ करना चाहें, तो वो ज़रूर करें। और आपने अभी जिक्र किया एक चैप्टर का, जो जो इंटरनेशनल लिंकेजेस का चैप्टर है सास का। बहुत सो जबरदस्त। बेसिकली मेरी हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में, उनके साथ बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन थी, और उनके साथ मिलके हमने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया कि जी, ये जो सोशल प्रोटेक्शन की स्पेस है दुनिया में, इसकी अब कोविड के बाद, ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह जो चैलेंजेस हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, मगर कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पीयर एक्सचेंज प्रोसेस नहीं है। जैसे हेल्थ में है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है तो वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर्स कन्वीन करते हैं, लेबर मिनिस्टर्स ILO में कन्वीन करते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग्स में जाते हैं, मगर ये जो सोशल प्रोटेक्शन मिनिस्टर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपीरियंस शेयरिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बिल्कुल उस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह वो हमने प्रोसेस शुरू किया, किस तरह हम तकरीबन 14 मुल्कों की हमने कंसेंसस ले ली, एक डिक्लेरेशन पर काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो सारा काम डिसरप्ट हो गया, बट अगेन अ लॉन्ग वाइंडेड वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन टू से कि जी, वाकई मुल्क एक दूसरे से सीख सकते हैं, और इस किस्म के डिटेल्ड प्रोग्रामेटिक अकाउंट्स जो हैं, जो जो लिव्ड एक्सपीरियंस जिसका होता है, जो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं, उसकी किताबें बहुत कम हैं। बहुत कम। यूजुअली यूजुअली होता यह है कि एक प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट चली जाती है, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स आते हैं, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स उसकी बड़ी एक टेक्निकल सी इवेल्यूएशन करते हैं, यानी कि जहाज क्रैश हो गया तो फिर आपने उसकी इवेल्यूएशन की। बट वाइल द थिंग्स आर हैपनिंग, एंड स्पेशली जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, वो उसकी बहुत मिसालें नहीं मिलती। तो आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ट एंड सोल इन टू इट कि अगर ये किसी और के काम की चीज़ है तो व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स जो प्राइमरी मोटिवेशन थी, जो पहला ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि पाकिस्तान में इस काम को आगे चलाया जाए, पाकिस्तान में इसमें डिसरप्शन ना आए। जो हुआ वो उससे इंटायरली बरक्स था, बट द सेकेंडरी मोटिवेशन ऑफ कोर्स वाज कि इंटरनेशनली एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हो सके। बहुत जबरदस्त। लोकल, इंटरनेशनल, होम ग्रोन, लिव्ड एक्सपीरियंस, पैशन। मैंने किसी से पूछा आपके मुतालिक, उन्होंने कहा डॉक्टर सानिया निश्तर लिव्स ब्रीद्स एहसास इवन टुडे। उनका पैशन है, फिर वो कहती है नहीं, पैशन नहीं है, ऑब्सेशन है। तो मैंने कहा इन अ नाइस वे, माशाल्लाह। डॉक्टर साहबा, अगेन लर्निंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एज ए कंसल्टेंट, सारा मसला होता है मसला डिस्क्राइब करने का नहीं, मसला हल करने का। उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, उसको डिलीवर कैसे किया जाए, व्हाट सबको पता है, हाउ किसी को नहीं पता होता, बहुत कम लोगों को पता। ये जो आपकी डिलीवरी यूनिट का मैकेनिज्म है, प्लीज इसको जरा एक्सप्लेन करें कि हमें समझ आए कि ये इतना सक्सेसफुली आपका ये प्रोग्राम है, इसके अंदर आपने देखे जनाबी आली, आपने 1 करोड़ खानदान लोगों को आपने फाइनेंशियल एक्सेस दिया, 70 लाख को आपने डिजिटल इंक्लूजन दिया, 38 लाख को आपने रोजगार फर्म दिया, 1 करोड़ से ज्यादा को सेफ्टी नेट दिया।
50 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, मतलब दिस इज मैसिव। ये डिलीवर कैसे हुआ, डिलीवरी यूनिट का जरा बताइए। देखिए, आपने जो दो लफ्ज इस्तेमाल किए वो बड़े अहम थे कि व्हाट एंड हाउ। हमारे इधर ये होता है कि व्हाट को तो प्रॉमिसेस, रेटोरिक, पर जब आप डिलीवरी पे आते हैं तो डिलीवरी नहीं होती। और पाकिस्तान के सिस्टम में कुछ ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं गवर्नमेंट के एग्जीक्यूशन सिस्टम में कि कि जिसकी डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती कि जी ये पॉलिसी थी आपने डिलीवर की, कितनी की, नहीं की तो क्यों नहीं की। तो इस इन वजूहात की बिना पर जो हमारी डिलीवरी है बहुत बहुत ही ज़्यादा वीक है। और क्योंकि क्योंकि एहसास बहुत एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेवल, मल्टी लेड, मल्टी स्टेक होल्डर, मल्टी प्रॉन्ग्ड इंटरवेंशन थी, तो उसमें डिलीवरी के तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। एंड इनफैक्ट जब मैंने शुरू किया तो मुझे लोग कहते थे कि तुम्हारी क्या ज़रूरत क्या थी कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाए, बस एक चीज़ को पकड़ते, उसको बस कर देते, 5 बजे घर चली जाती। वाई ऑन अर्थ डिड यू सेट योर सेल्फ अप फॉर समथिंग लाइक दिस। तो जो सवाल आपका है डिलीवरी का, वो बहुत अहम सवाल है। अब डिलीवरी के लिए आप सबसे पहले तो आपको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स बड़े अहम हैं कि आपके पास एक डेडिकेटेड यूनिट हो, आपके पास लोग हों जो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क से जिनकी जिनमें ट्रेनिंग हो, जिनकी फेमिलियरिटी हो, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन के सॉफ्टवेयर और टूल्स जो होते हैं उसमें डेटा एंटर कर सकें, उसको उसको ट्रैक ट्रैकिंग की जो भी मैकेनिज्म्स हैं उससे फेमिलियर हों। तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल लेयर, कैपेसिटी लेयर, कि आपके इदारा भी, यूनिट भी हो, लोग भी हों, टूल्स भी हों। उसके अलावा फिर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होता है, क्योंकि यूजुअली गवर्नमेंट सिस्टम में आप विजन डॉक्यूमेंट, पॉलिसी बना लेते हैं जो हाई लेवल होती है, आपको उसको एक एग्जीक्यूशन प्लान में कन्वर्ट करना होता है। स्ट्रेटजी को भी आपने एग्जीक्यूशन प्लान में कन्वर्ट करना होता है, उसके हाई लेवल गोल्स क्या हैं, उसके फाइव ईयर गोल्स क्या हैं, और क्या इनपुट्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या प्रोसेसेस हैं जो आपको चाहिए ताकि आप उन गोल्स यानी कि अहदाफ पर पहुँचें, और उसके इंडिकेटर्स क्या हैं और आप उनको मेजर किस तरह से करेंगे। ये सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और फिर आपकी जो बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पे जो इनपुट्स, एक्टिविटीज़, प्रोसेसेस हैं उनकी टाइमलाइंस क्या हैं, उनके माइलस्टोन्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये आपको एक फ्रेमवर्क्स में पॉपुलेट करना होता है, एम्बेड करना होता है। और बहुत से मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स ये सोचते हैं कि जी ये तो बड़े ही कोई लो लेवल काम है, ये तो हमने करना ही नहीं है। बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ भी डिलीवर नहीं होगा, और वही होगा जो आज तक हमारे सामने होता रहा। तो जब आप ये फ्रेमवर्क बना लें, अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड कर लें, आपका वर्क प्लान आपके सामने हो, फिर आपको रूटीन सेट करने होते हैं। रोजाना कि आपने 6 महीने में क्या माइलस्टोन देखना है, 3 महीने में क्या देखना है, महीने की मीटिंग में, मंथली मीटिंग में क्या देखना है, वीकली मीटिंग में क्या देखना है, डेली क्या देखना है, और किसके साथ क्या देखना है। तो मैं टैबलो यूज करती थी जिसमें जो एक्सटेंसिव शीट थी, जिसके साथ मैं बैठती थी उसके नाम को क्लिक करती थी, और अगर वो वीकली मीटिंग होती थी तो वीकली मीटिंग को क्लिक करती थी, और कहती थी जी अच्छा ये स्ट्रेटेजिक प्लान में तो अपने 4 चीज़ें करनी थी, व्हाट इज द स्टेटस। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अपना एक ग्रैनुलर वर्क प्लान बनाया, और फिर एक रिव्यू केडेंसेस की मदद से हमने अपनी एग्जीक्यूशन को एक्सेलरेट किया। और फिर भी बहुत चैलेंजेस होते थे, जो चीज प्रॉमिस होती थी वो टाइम पे नहीं होती थी, बट एटलीस्ट देयर वाज अ वे ऑफ ट्रैकिंग डिलीवरी। तो ये था कुछ डिलीवरी यूनिट का निज़ाम। एंड आई थिंक अगर गवर्नमेंट्स इस तरह के मैकेनिज्म्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगी तो वो
बिल्कुल अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाती। डॉक्टर साहिबा, मैं वो एक फ्रेज है, सिंगिंग लाइक अ बर्ड, वो तो चोरों के लिए होती है कि जी उनको जब पकड़ देते हैं तो वो, लेकिन मैं जब अभी बात करी थी ना, ऑनेस्टली माय 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 हेड वाज फुल ऑफ म्यूजिक. आपने, यू एक्चुअली आइडेंटिफाइड द कोर इशू विद गवर्नेंस इन पाकिस्तान, जो है लैक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज एट ऑल लेवल्स, एट द लेवल ऑफ द लीडरशिप एंड एट द लेवल ऑफ नीचे कोई पॉलिसी एनालिस्ट बन रहा, जो के टेबलो इस्तेमाल करना आता है, डेटा एंटर करना आता है, देखना आता है, रिपोर्ट्स निकालनी आती है, उनको ट्रैक करना आता है, डैशबोर्ड बनाना आता है. आपको डैशबोर्ड बना के दिया कि अगर मैं इस तहसील पे क्लिक करूं, मुझे एकदम पता चल जाए मेरे 16 प्रोग्राम कहाँ कहाँ है. ये इतना मेजर इशू है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आप ये कर सकें, हाउ कैन ये, इसको कैसे, हाउ कैन वन एक्सपैंड दिस. मतलब मैं थोड़ा सा मैं आउट आउट ऑफ लाइन जा रहा हूँ ये इस क्वेश्चनिंग में, लेकिन आपके नजर में ये पाकिस्तान के गवर्नेंस मॉडल को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेस्ड कैसे बना सकते. देखिए, टू अ सर्टेन एक्सटेंट तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी एक डिलीवरी ट्रैकिंग मैकेनिज्म है, प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट उसको कहते हैं, मगर द वैल्यू इज इन हाउ यू यूज इट। आप वो आपके साथ एक चीज, वो जो ट्रैकिंग बोर्ड्स हैं वो आपके साथ एक, उनकी कांस्टेंट प्रेजेंस होनी चाहिए कि आप किसी सबॉर्डिनेट से 5 मिनट भी बात करें तो आप उससे स्पेसिफिक बात करें कि यू आर द मिनिस्टर ऑफ लेट्स से कॉमर्स, ये हमारी ओवरऑल पॉलिसी है, उसमें कॉमर्स के ये गोल्स हैं और कॉमर्स के ये गोल्स, कॉमर्स पे क्लिक करें, कॉमर्स की ये टाइमलाइन है ऑन ऑन दीज 4 डिलीवरेबल्स, और आज हमारी वीकली मीटिंग है, आप बताएं ये चार चीजें कहाँ हैं। क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल ले लें, और हर गवर्नमेंट में प्राइवेटाइजेशन जो है, आप प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर से पूछें तो वो कहेंगे बस जी अगले हफ्ते ट्रांजैक्शन एडवाइजर अपॉइंट हो रहे हैं। भाई, वेयर इज योर प्लान, वेयर इज योर टाइमलाइन, उसमें आपका क्या माइलस्टोन है ट्रांजैक्शन एडवाइजर की अपॉइंटमेंट का, उसकी उसका काम कंप्लीट होने का, ओपन बिडिंग में जाने का, फर्स्ट एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट को रिव्यू करने का, शॉर्ट लिस्टिंग करने का, हर एग्जीक्यूशन के स्टेप्स होते हैं, वो आप थ्रू अ कंसल्टेटिव मैकेनिज्म आप वो स्टेप्स डिटरमिन करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई हर चीज का मास्टर होता है, बट यू हैव टू नो वेयर टू माइंड द एक्सपर्टीज फ्रॉम। तो जो भी एग्जीक्यूशन है उसकी टाइमलाइंस है, और उसकी टाइमलाइंस के मुताबिक आपने माइलस्टोन सेट करने, और उस वक्त आप बहुत टू एंड फ्रो करें अपने स्टाफ के साथ, आपका ख्याल होगा ये महीने में होगा, वो कहेंगे जी 6 महीने में होगा, अल्टीमेटली यू विल अग्री ऑन 3 मंथ्स, बट अगर वो काम 3 साल में भी ना हो तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे जो है ना, आप अपना मुझे, यू टेकन मी बैक टू माय माय इम्प्लीमेंटेशन वर्ल्ड. बिकॉज मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे, तो ये डेली रूटीन्स की जो आप बात कर रही है ना, कि जी आपकी डेली रूटीन क्या है, आपकी वीकली रूटीन क्या है, आपकी मंथली रूटीन है, आपकी बाई वीकली क्या है, आपकी क्वार्टरली क्या है, आपकी, और हर एक में एक स्पेसिफिक एजेंडा, स्पेसिफिक सवाल है. बल्कि वो एक बड़ी पुरानी मिसाल है कि व्हाट इज ट्रैक्ड मॉनिटर्ड क्वेश्चन गेट्स डन, इवन इफ इट इज नॉट रिवॉर्डेड. आपने उसको ट्रैक किया, मॉनिटर किया, सवाल पूछे, सवाल पूछे. हम बल्कि हम अपने सीईओज को 5-6 सवाल बैंकिंग में दिखा, 5 कहते थे, जब तुम ब्रांच भी जाओ ना ये 5 सवाल पूछो. क्या सवाल थे? आज तुमने कितनी प्रोफाइल्स बनाई कस्टमर की, आज तुमने सेल्स कॉल्स कितनी की, आज तुमने अकाउंट्स कितने खोले, आज तुमने टेलीफोन कॉल्स की, सो दे नो कि ये बिहेवियर्स इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मुझे अपना डैशबोर्ड दिखाओ. तो
तो वो फिर एम्बेड होता है बिहेवियर। तो ये तो अच्छा सवाल ये था कि ये बाकियों को कैसे सिखाया जाए, ये जो बाकी वजीर हैं, हाउ डू यू स्प्रेड दिस अक्रॉस द यूनिवर्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नेंस स्ट्रक्चर। बस ये टॉप डाउन एक कल्चर इंस्टीट्यूशनलाइज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट में मैं देखती हूँ ओवर एंड ओवर अगेन वही चीज़ें होती हैं, और इट्स एन इम्प्लीमेंटेशन फेलियर। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन फेल। अगर आप गलत से गलत पॉलिसी भी अडॉप्ट करें, गलत से गलत भी, और आपकी इम्प्लीमेंटेशन रिगरस हो, और एंड इन दैट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस यू हैव रियल टाइम फीडबैक, तो आपको गलती भी पता चल पता जाती है, चल आपको सक्सेस भी पता चल जाती है, और आप कोर्स करेक्ट कर लेते हैं। मगर अगर आपने बस जाके एक तकरीर करनी है, आई एम नॉट रिफरिंग टू एनी वन इन पर्टिकुलर, मैं एक जनरल ट्रेंड बता रही हूँ कि बस आपने रेटोरिक पे ही रिलाई करना है, यही सोचना है कि पूरी कौम बेवकूफ है, उनको कुछ समझ नहीं आता, हम बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे, डिलीवरी कुछ नहीं करेंगे, एंड वी विल जस्ट गेट अवे विद दैट, तो फिर तो नथिंग इज गोइंग टू गेट डिलीवर्ड। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछूंगा आखिर में कि ये जो मुझे तो लगता है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर्किटेक्चर जो है ना, पीटीआई को अपनी पार्टी के अंदर पहले इम्बेड करना चाहिए कि अगर वो वहां इम्बेड करें तो फिर जाके हुकूमत तो कहें तो सबको पता चले कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर्किटेक्चर क्या होता है। ये मैं आखिर में सवाल पूछूंगा, सो प्लीज थिंक। आई नो यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन टू लीड दिस प्रोग्राम मैनेजमेंट चैंपियनिंग आर्किटेक्चर टू रिफॉर्म पीटीआई। इसलिए अगर पार्टी अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर सकती तो वो दूसरे इदारों को कैसे रिफॉर्म करेगी या ट्रांसफॉर्म करेगी। अच्छा जी, सब एहसास में आते हैं भाई साहब, अगर ये एहसास का जो काम है ये चलता रहता, हाँ, तो अगर आप अभी तक चेयरमैन एहसास होती और ये होती तो क्या होती आपकी प्रायोरिटीज। देखिए, ये किताब में भी डिस्क्राइब, द बल्क ऑफ द बुक इज अबाउट के जो कंसोलिडेटेड स्ट्रेटजी है वो क्या थी, ओवरआर्चिंग प्रायोरिटीज क्या थी, और उनसे उससे हम सोशल प्रोटेक्शन एट मैसिव स्केल कैसे अचीव कर सकते थे। कुछ कुछ चीज़ों पे जल्दी से मैं तबसरा कर दूँ। एक तो ये कि हम एक एंड टू एंड डिजिटल इकोसिस्टम हमने बहुत हद तक बना लिया था टू डिलीवर वेलफेयर एट स्केल, समाजी तहफ्फुज़ बहुत बड़े पैमाने पर देने के लिए, और उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के दो बुनियादी सतून थे। एक उसका सतून बैंक अकाउंट्स फॉर एवरीवन, जो स्टेट बैंक का जो स्विच है रास्त के होने से बहुत हमें फैसिलिटेशन और अपॉर्चुनिटी मिली, और जिसके ऊपर बड़ा तेजी से काम हो रहा था और आखिरी मराहिल में था फॉर डिप्लॉयमेंट। नंबर टू, उसका जो दूसरा जो सतून है वो दुकानों की डिजिटाइजेशन। तो द आइडिया वाज, द थिंकिंग वाज कि जब आप लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं और जब दुकानों का इकोसिस्टम डिजिटाइज्ड है, और उस पर हम आपके प्रोग्राम में ही दो तीन दफा बात हो चुकी बिल्कुल है तो मैं उसकी बिल्कुल तफसील अभी नहीं जाऊंगी, तो आप लोगों को एक कैशलेस सिस्टम के जरिए आप लोगों को बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पे टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं, टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी, जी टारगेटेड फ्यूल पे सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं, दवाओं की दुकानों पे टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं, फर्टिलाइजर की दुकान पे टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं। और इसलिए हमने दुकानदार का इंसेंटिव भी बहुत ज्यादा रखा था ताकि दुकानदार और किरियाना और किरियान क्योंकि किरियाना वाला काम शुरू हो गया था, और दीगर जो दुकानदार हैं उनका इंसेंटिव वो के सिस्टम है। सो द आइडिया वाज के बैंक अकाउंट्स फॉर एवरीवन, और नंबर टू डिजिटाइज्ड शॉप्स, और उसके थ्रू आप प्ले विद इंसेंटिव्स, प्ले विद पॉलिसी, ताकि आपके पास एक कैशलेस सिस्टम हो टू स्केल अप योर टारगेटेड सब्सिडी, और फिर गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से भले उस पर पॉलिटिक्स करती रहें कि जी हम करती फलां चीज पर इतनी ज्यादा सब्सिडी दे दी, हमने 1,000 से 2,000 कर दिया, हम फ्यूल पे ले गए, हम दवाओं की दुकानों पे ले, बट एक बुनियादी चीज को आप तो ना तोड़े ना। सो दैट वाज द थिंकिंग, एंड द थिंकिंग वाज क्योंकि पाकिस्तान 1.7 ट्रिलियन
रुपीस की अनटारगेटेड सब्सिडी देता है, और वो अनटारगेटेड सब्सिडी जो है वो प्रेफरेंशियली अशराफिया के हाथों में जाती है, अनटारगेटेड है। तो इस डिजिटल निजाम के होने से ना तो सिर्फ एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में एक कैशलेस सिस्टम के जरिए एक गवर्नमेंट की कैपेसिटी हो जाती कि वो जहाँ चाहती वो टारगेटेड सब्सिडी दे सकती थी, नंबर वन, और नंबर टू हम फिर अनटारगेटेड सब्सिडीज जो थी वो उसको यहां से इंक्रीमेंटली उनको स्केल बैक करते। और प्राइम यहां मिनिस्टर इमरान खान का एक खास एम्फेसिस था ये अनटारगेटेड सब्सिडीज को स्केल बैक करने का और उसको टारगेटेड सब्सिडी में कन्वर्ट करने का। तो एक तो ये डिजिटल निज़ाम है जो आपके पास एक मल्टीपर्पस कैपेबिलिटी होती, हर चीज़ एंड एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, ग्रोसरी, फ्यूल, दवाएं, फर्टिलाइजर इन अ ट्रैकेबल, ट्रांसपेरेंट मैनर जिसमें पिलफरेज का चांस नहीं होता, नंबर और वन। करप्शन भी ना हो, पिलफरेज भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, करप्शन करप्शन पिलफरेज का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरा मतलब ये था कि उसमें करप्शन चोरी चोरी ना हो। चोरी ना हो, चोरी ना हो। ठीक। नंबर दो, हमने एक पहला वन स्टॉप शॉप बनाया था जिसका नाम एहसास वन विंडो सेंटर था, जो सितारा मार्केट में बनाई गई थी, अब उसका गालबन नाम बदल दिया गया है। वन स्टॉप शॉप में आप तमाम बेनिफिट्स, कंप्लेंट्स, अपनी रजिस्ट्रेशंस, अपनी स्टेटस अपडेशन तमाम कर सकते थे। जब द प्लान वाज के दिसंबर 2022 तक हर डिस्ट्रिक्ट में बन जाए, जब तक मैं गई थी तो 40 बन चुके थे, 40 या 42। ये मतलब ये किस्म का सर्विस सेंटर था जहां जाके आप हर कुछ अपने मुतालिक पता करवा सकते थे, क्या जरूरत है, क्या चीज बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल। और आप और बड़ा अच्छे एनवायरनमेंट में, बल्कि बल्कि जब मैं गवर्नमेंट में ही थी तो मुझे याद, सितारा मार्केट बिकेम द गो टू प्लेस फॉर पुअर पीपल। आई रिमेम्बर अल्लाह मैं एक वो चिप्स ले रही थी तो वो चिप्स वाला मुझे कहता है, ही न्यू मी एंड ही सेड, कल बड़ा रश था मैडम सितारा मार्केट में, आप लाइनों के बारे में कुछ करें। बहुत लंबी लाइन अल्लाह थी, बहुत अल्लाह लंबी लाइन थी, मैं सर्वे के बगैर वापस आ गया, और प्लीज आप कुछ करें और ये अल्लाह लें चिप्स और आप जाएं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इट बिकेम अ वेरी रैलिंग पॉइंट। तो उस तरह के सेंटर्स हर तहसील में होने थे, उसकी बजटिंग, उसकी प्लानिंग मैंने तमाम की भी थी कॉलीग्स के साथ। नंबर तीन जो जो चीज थी वो एहसास रेडी बान, और अगेन ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इस पे खास एम्फेसिस था कि आप रेडी बानों को फॉर्मलाइज करें, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड आइडिया व्हेन आई स्टडीड इट, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 10 से 20 लाख रेडी बान है, जो आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि वो किस हालात में काम करते हैं, सहूबतें उठाते हैं, भत्ते देते हैं पुलिस को, दुकानदारों को, और उनको इविक्ट किया जाता है, उनकी तमाम इन्वेंट्री जो है वो खराब हो जाती है। हर रेडीबान भाई और कुछ बहनें भी हैं, उनके साथ 5 लोगों का, उनकी वैल्यू चेन में 5 लोगों का रोजगार मुंसलिक है। और तो अगर मल्टीप्लाई करें टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस होल्ड, तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और ये रेडी बानों का जो प्रोग्राम है, और बहुत दफा आपके प्रोग्राम में भी जिक्र हो चुका है, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि ये कोई 300 बिलियन का प्रोग्राम था, ये एक रेगुलेटरी इंटरवेंशन थी कि आप उनको लाइसेंसेस के लिए क्रेडिट फराहम करें, फैसिलिटेट करें, ब्रोकर करें, उनको आई बेग योर पार्डन, उनकी कार्ट्स के लिए, कार्ट फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट ब्रोकर करें मेरे रेडी को रेडी के लिए पैसा देना। जी, रेडी लगाने के लिए पैसा दें, उनको लाइसेंस दें, उनको सोलर पावर कार्ड्स दें, क्या उनको तहफ्फुज़ दें ताकि वो अपनी कारोबार वहां बढ़ाएं। और जो हमने छोटा सा पायलट इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स में किया था, वो उन रेडी बान भाइयों की जो इनकम थी वो कहीं से कहीं चली गई थी। बिल्कुल
और लोकल इकोनॉमी पे भी उसका असर था। तो हमारा ख्याल था कि इसको हम मैसिवली एक्सपैंड करेंगे क्योंकि इसका लोकल इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव असर है, इसका लाइवलीहुड प्रमोशन पे भी असर है, रोजगार भी है, और इससे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी मुस्तफीद होगी। और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स का एक ब्लाइंड स्पॉट रहा है। तो तीसरी चीज़ ये, और फिर ऑफ कोर्स जो हेल्थ कंपोनेंट है, हेल्थ कार्ड, और उसके साथ जो एहसास तहफ़ुज़ का कंपोनेंट था, हेल्थ कार्ड आपको मालूम है कि बहुत ही सक्सेसफुल था। उसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स करना, उसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स और कॉस्ट इफेक्टिवनेस कंसिडरेशंस, मिसयूज को रोकना, मिसयूज को रोकना, वो बहुत ही अहम था। वो एक प्रायोरिटी है। एक्सेस टू एजुकेशन, जो हमारा जो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम था, जिसके जरिए एक ओवर सब्सक्राइब्ड प्रोग्राम था, यानी कि जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा हमें स्कॉलरशिप्स देनी पड़ी क्योंकि ज़रूरत बहुत थी। हमारा ख्याल था हर साल 50,000 देंगे, मगर पहले साल हमने 90,000 दी। तो ये कुछ प्रायोरिटीज थी, और अगर हम बहुत इनको शुक्रिया। परस्यू करते तो बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पर चेंज आता। मैं सोच रहा था कि अगर ये चलता होता और जिस तरीके के आज तबाही और बर्बादी आई हुई है पाकिस्तान के गरीब आवाम के ऊपर, खास तौर पर इतना ट्रिमेंडस इन्फ्लेशन, ये तो अभी लोगों ने देखी नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि ये जो 3 बिलियन का स्टैंड बाय है, इससे सारे जो है ना मसले हल हो जाएंगे। अभी तो जो इन्फ्लेशन हिट करेगी, जो लैग इफेक्ट है पिछले 1-1.5 साल का, वो जब आने वाला है अगले साल, वो तो पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती कि लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए अगर आप होती या जो मौजूदा हुकूमत को, कि ये इन लोगों को ये इतनी जो तबाही हो रही है और जो आने वाली तबाही है महंगाई की, लोगों को अंदाजा नहीं है, वो किस तरह अपने आप को इससे शील्ड कर सके या कम से कम थोड़ा बचा सके। देखिए जी, आप हम इकोनॉमिक ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की यहाँ बात नहीं करें, हम एक जी, एक आम आदमी, स्पेसिफिक गरीब आदमी की गुर्बत, जी, जो जो सोशल प्रोटेक्शन सोशल प्रोटेक्शन की बात कर से रहे हैं। रिलेटेड जो जो पब्लिक पॉलिसी उसकी बात कर जी रहे हैं, तो जी जी उस डोमेन में जैसे कि मैंने कहा कि ये जो टारगेटेड सब्सिडी का जो निज़ाम है, ये इस वक्त बहुत मतलब दिस वाज द नीड ऑफ द डे, दिस वाज द बिल्कुल नीड ऑफ द डे। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, वो दुकानों में, ग्रोसरी दुकानों में डिप्लॉयड थी। और आप लोगों को कितनी बड़ी वैल्यू देते अगर आप लोगों को उसको स्केल अप करते, उसमें बेहतरी लाते, उसमें स्केल अप करते, फिर वही निज़ाम आप पेट्रोल पंप्स पे ले जाते, वही निज़ाम आप दवाओं मेडिसिंस की दुकानों में ले जाते। और देखिए, मेडिसिंस की दुकानों में ये टारगेटेड सब्सिडी का निज़ाम लाना काफ़ी, कंपेयर टू ग्रोसरी, कंपेयर टू किराना, काफ़ी आसान है क्योंकि वहाँ डिजिटाइजेशन का लेवल कहीं ज़्यादा ऑलरेडी है। हुआ। तो अगर हुकूमत ने इन्होंने ये जून 2022 में इसको बंद कर दिया था, और बंद भी ऐसा किया कि तमाम वो चीज़ को डिसमेंटल किया, फिर वो नेशनल बैंक के साथ क्लोजर कर दिया। चलो, अगर आप उसको ऑप्शन रखते तो इस वक्त आप, इस वक्त उनके पास एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती कि इसको वो मैसिवली स्केल अप कर सकते थे। डॉक्टर साहबा, मुझे सियासी बात मैं नहीं चाह रहा हूँ करने के लिए, बिकॉज ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, समाजी बचाव का प्रोग्राम है। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे डिलिबरेटली जानबूझकर एक चलते फलते फूलते प्रोग्राम को गला घोट के बंद किया जाए कि ये हमारा गरीब
तबाह और बर्बाद हो जाए, हमारी मैशत तबाह और बर्बाद होगी। मतलब एक गाड़ी आपने बना के दे दी है किसी को, जो मर्जी बैठे उसके अंदर, जिस मर्जी स्पीड से चलाए, आहिस्ता चलाए, तेज चलाए, लेकिन आपने गाड़ी के पहिए उतार दिए, बैटरी निकाल दी, इंजन तोड़ दिया और उसको खड़ा कर दिया, और एक रेड़ी पे खोता गाड़ी पे बैठ के चले गए, जी मैं तो खोते पे जाऊंगा। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि ये इस मुल्क के गरीब आदमियों के साथ और औरतों के साथ, बच्चे बूढ़ों के साथ ये कैसा जुल्म किया कि आप इसी प्लेटफॉर्म को अपने लिए इस्तेमाल कर देते, क्या देते जी, शहबाज शरीफ एहसास प्रोग्राम या कोई नाम दे देते, वो चलाते तो ये मुझे नहीं समझ आई, आपको समझ आई? देखिए, आपको आई थिंक द की थिंग इज कि आप देखें कि सिस्टम में क्या फ्लॉ है। अगर ऐसी चीज हुई है तो सिस्टम में क्या फ्लॉ है, और सिस्टम में ये फ्लॉ है कि सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है। हम जवाबदारी अकाउंटेबल, है ही नहीं। कोई जवाबदेही नहीं है। आपकी जो मर्जी आप करके चले जाएं, आप मिनिस्टर हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, जो मर्जी करके चले जाएं। हाँ, अगर किसी का आपके साथ पॉलिटिकल वेंडेटा है तो वो आपको नैब में ले जाएगा, एंड फॉर द रॉन्ग रीजंस आपको आप यू नो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अब देखिए, पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है? हुकूमत ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास, हमें पता है कि किस किन के बैंक अकाउंट्स हैं, मगर वो टैक्स नहीं देते। आपने बजट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में हाल ही में देखा होगा कि हम उन पर 0.6% टैक्स लगा रहे हैं, कैश विड्रॉल की लेवी लगा रहे हैं। जब आपको पता है कि किसी का बैंक अकाउंट है मगर वो टैक्स नहीं दे रहा, तो व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग आफ्टर देम? मगर एफबीआर की तो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। आप पाकिस्तान का पूरा पूरा वो देख लें, हिस्ट्री देख लें, लोन्स लिए गए अनप्रोडक्टिव एसेट्स के लिए, कर्जा चढ़ाते गए, अनप्रोडक्टिव एसेट्स बनाते गए, 1.7 ट्रिलियन की अनटारगेटेड सब्सिडीज आप लोगों को दे रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भर्तियां कब से हो रही हैं पाकिस्तान की 70 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। आज उनकी जो लॉसेस हैं वो टैक्स पेयर अंडर राइट कर रहे हैं। कभी आपने किसी जिन पॉलिटिशियंस जो रिस्पॉन्सिबल थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड भर्तियां, कभी किसी ने उनकी अकाउंटेबिलिटी की है? कभी भी नहीं। बल्कि वही लोग ग्लोरीफाई होके वापस आ जाते हैं। हमेशा हमारी इकोनॉमी में सेविंग्स पे कोई फोकस नहीं रहा, कंजम्पशन पे फोकस रहा है। हर साल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट वायलेट होता है। हर साल कभी कोई डिबेट हुई है? सर्क्यूलर डेट खाली एनर्जी में हमें मालूम है, बट हर सेक्टर में सर्क्यूलर डेट है। आई मीन वैल्यू चेन प्रॉब्लम्स इतने ग्लेयरिंग है, वीट में अलहदा है, शुगर में अलहदा है। और माजरत के साथ कहना चाहती हूँ कि 13 पार्टियों की कोएलिशन आज है जो ऐसे लॉ पास करा रही है, यू नो ड्रॉप ऑफ अ हैट ऐसे लॉ पास हो जाते हैं, मगर कभी किसी की अकाउंटेबिलिटी हुई कि जी पाकिस्तान के आज वाटर स्कैसिटी के इतने सवियर मसाइल हैं, ये 13 या 14 पार्टियां क्यों नहीं आई? व्हाई डिड दे नॉट कम टुगेदर जब कालाबाग डैम का मसला था, जब फूड सिक्योरिटी के इश्यूज थे? कभी सोशल सेक्टर पॉलिसी पे इनका एका क्यों नहीं हुआ, कन्वर्जेंस नहीं हुई? ये क्यों नहीं इकट्ठे आती कि जी इतने सेक्टर्स हैं विच आर आउटसाइड ऑफ द टैक्स नेट, उन पे भी हम टैक्स लगाएं? मगर आप किसी का, मतलब आप फ्लड्स को देख लें, फ्लड आया मतलब क्या मैसिव उससे इनंडेशन हुई, क्या मैसिव उससे तबाही हुई, मगर कभी हम उन ठेकेदारों से हम पूछते हैं जिनकी नाकस पुलों पुल बह गए? जो कोई सुलेमान में, जो पाकिस्तान में आज तक कोई 13 स्टडीज हुई हैं, पहली स्टडी 1929 में हुई थी, 29 उनकी इम्प्लीमेंटेशन कोई कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलीगल लॉगिंग होती है, इलीगल जो हिल्स में जो फ्लड से तबाही आई,
इलीगल लॉगिंग की वजह से आई? आपने कभी किसी से पूछा? सो इट्स अ लॉन्ग वाइंडेड वे ऑफ सेइंग कि ये खाली मसला ये नहीं है कि मेरे साथ किसी को दुश्मनी थी या पीटीआई गवर्नमेंट के साथ दुश्मनी थी या खान साहब के साथ दुश्मनी थी तो एहसास को स्टॉल किया गया। एक तो उसकी पॉलिटिकल वजूहात हैं, क्योंकि समाजी तहफ्फुज को ट्रेडिशनली लोग एज अ पॉलिटिकल टूल, एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल पैटर्नेज इस्तेमाल करते हैं कि जी ये हमारे पैसे हैं, हम पते और ये फलां के नाम के पैसे हैं और ये वोट्स के लिए इस्तेमाल हुए, क्योंकि लोग तो बेचारे ना आपने उनको हेल्थ दी ना एजुकेशन दी, वो तो बिल्कुल जानवरों की तरह को ट्रीट किया है। बट दैट इज वन फैक्टर, बट द अदर लार्जर फैक्टर इज कि आपके सिस्टम में कोई जवाबदेही का अमल ही नहीं है। आप जो मर्जी गलत चीज करके चले जाएं, जो मर्जी चीज डिसरप्ट करके चले जाएं, आप कल दोबारा उससे ज्यादा धड़ल्ले से वापस आ जाएंगे, बिकॉज गलत चीज को गलत तो कोई कह ही नहीं सकता। यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है ना डॉक्टर साहिबा, बड़ा सिंपल उसूल है दुनिया का कि आपके जो हरकतें होंगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या अच्छे या बुरे। अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे तो आप करेंगे। मिसाल के तौर पर आप मोटरवे पे जाएंगे, अगर आप ओवर स्पीड करेंगे आपको 750 रुपये होता था, पता नहीं कितना है। आप जीटी रोड पे जो मर्जी करें आपको कोई रोकने वाला नहीं। उधर आप फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन है, इधर आप थर्ड क्लास सिटीजन है। आप पीर वधाई के बस के अड्डे पे बकरी लेके छत पे चढ़ते हैं बस की, और आधे घंटे बाद लाइन में खड़े होते हैं अपना बोर्डिंग पास लेके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वही आदमी। तो ये जो आपने हदूद और दायरा क्या, अल्लाह मैं तो मुझे तो आपकी बात। और देखिए इसमें एक और एलिमेंट भी है, एक तो जवाबदेही का ना होना, मगर जवाबदेही के ना होने के साथ साथ और भी बड़े टॉक्सिक कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि जो हमारा डिसीजन, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, एंड माइंड यू करप्शन रॉन्ग डूइंग ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती, दैट इज हाउ द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी की जो इंसेंटिव्स हैं वो बड़े परवर्स हैं। अब आप इसको उर्दू में बड़ी एलिगेंट ट्रांसलेशन आई नो कर देंगे, ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत बेहुदा है, बहुत बेहुदा है प्रोसेस। हाँ, मतलब कोई ईमानदारी से काम करे उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हाँ, उसको रिवॉर्ड तब मिलेगा जब उसकी पॉलिटिकल, उसकी सियासी वाबस्तगी होगी, जब उसकी पॉलिटिकल एलिजेंस होगी। और ये खाली सेक्टरी लेवल पे नहीं है, ये आपके एसी लेवल से शुरू होता है। जब एसी को पता है कि मुझे तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को हल करना और अवाम के मसाइल हल करने का तो कोई मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई नाम नहीं मिलेगा, हाँ लोकल एमएनए के काम करने और एमपीए के काम करने से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपने एक परवर्स इंसेंटिव क्रिएट कर दिया। और ये सेक्रेटरी लेवल तक चीज है, तो जवाबदेही नहीं है, इंसेंटिव परवर्स है, एक आर्बिट्रेरियनेस का कल्चर है, चीजों की एसओपीज और पॉलिसी आप नहीं बनाना चाहते, कोई भी बनाना चाहता, बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव अ फ्री हैंड। और इन एनी केस आप जब लॉज बनाते हैं तो उसमें आप इतने लूप होल्स छोड़ देते हैं, और फिर देयर इज अ शॉकिंग टॉलरेंस फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद नॉर्म्स, तो आपने एक टॉक्सिक कॉकटेल बनाई हुई है। आप जिस सेक्टर को उठाएंगे उसमें ऐसे मसाइल हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ऐसा मुल्क कहीं भी नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर जहां पर हमने अपने लिए खुद लैंड माइंस बनाई हुई है। तो खुदा करे इलेक्शंस हों, टाइम पे हों, ट्रांसपेरेंट हों, और जिसकी और जो जीते उसको इक्तदार मिले, बट दैट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। हमें अपनी ये फॉल्ट लाइंस ठीक करनी है, और ये बड़ी सीरियस फॉल्ट लाइंस हैं। यू नो डॉक्टर सानी साहब,
बहुत पहले से, और मैंने इसके ऊपर बहुत लिखा है, मैंने कहा पाकिस्तान का जो ये इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर है गवर्नेंस का, इसको ठीक करने के लिए 3 साल चाहिए, और इसको ठीक करने के लिए सानिया निश्चित जैसी खातून चाहिए। उस वक्त मैं आपको जानता नहीं था, लेकिन सुनने के बाद मैं बड़ी सीरियसली ये बात कर रहा हूँ, और मैं ये पब्लिकली कर रहा हूँ, और ये कि अगर इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेने इजाजत देती है और वो इलेक्ट होके आता है, मैं बहुत सीरियसली उनको कहता हूँ कि ही शुड मेक यू द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो अपने पीछे बैठ के तकरीरें करे, मोटिवेट करे, पैशन दे, विजन दे, डायरेक्शन दे, ओवर आर्चिंग थीम दे कि मुझे एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाना है, और जो गवर्नमेंट की ऑपरेशनल रनिंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो आप जैसे खातून के हवाले करें, कि आप जो ये आपने बात की है ना, सारी ये टॉक्सिसिटी, ये लैक ऑफ प्रोसेस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, परवर्स इंसेंटिव्स, के गलत चीज की इनाम है, अच्छी चीज का इनाम नहीं है, वो लाए, वरना ये नहीं ठीक होगा। तो इमरान के अंदर ये सलाहियत नहीं है, हमें मानना पड़ेगा ही हैज मेनी अदर गुड क्वालिटीज, बहुत अच्छी उनमें, लेकिन जो असल कोर कॉम्पिटेंस है किसी मुल्क को चलाने के लिए, वो है सिस्टम, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, अकाउंटेबिलिटी, बेंचमार्क्स, माइलस्टोन, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग। सही कहा मैंने? देखिए जी, ये काम तो बहुत लोग कर सकते हैं, नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल. नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, द ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ वेरी इंडिस्पेंसेबल। काइंड ऑफ यू टू से दैट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कोई जिक्र तो नहीं है, और वी हैव टू स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं, है कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे नहीं पता, परवेज इलाही इनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर था। इट इज अप टू द प्राइम मिनिस्टर हाउ रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करके और उसको क्या अथॉरिटीज देता है। देखिए जी, जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हो, उसको चाहिए कि वो ये कोर इश्यूज पर फोकस करें. लोग अहम नहीं होते, बट द सब्सटेंस ऑफ द वर्क इज इम्पोर्टेंट. और ये जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव अकाउंटेबिलिटी का ये जो नेक्सस है पाकिस्तान की स्टेट सिस्टम में, दैट हैज टू चेंज. बिकॉज अगर आप देखिए ना, आपने एक वो विचेस ब्रू बनाई हुई है. आप वो पहले हम वो फेरी टेल्स पढ़ते थे, तो इट्स अ विचेस ब्रू, विच इज ब्रू, विचेस. चुड़ैलों चुड़ैलों की चुड़ैलों का सूप माजरत हाँ, माजरत के साथ. के साथ। देखिए ना, जवाबदेही है, और जब दवाई जवाबदेही होती है तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वेंडेटास होती है. ना जवाबदेही है, ना करप्शन के सेफगार्ड्स हैं इन द ट्रू अनेस्ट, और उस पर बड़ी लंबी बात फिर हो जाएगी. कल्चर ऑफ आर्बिट्रेरीनेस है, पॉलिटिकल एलिजेंसेस को आप रिवॉर्ड करते हैं. सॉरी सर, बट विच इज पाकिस्तान हैज टू बी रन लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह एक इदारा चलता है हैज़ टू बी रन प्रोफेशनली. और प्रोफेशनल। उसमें उसमें जो सबसे अहम बात ये है कि देयर शुड बी नो एक्सेप्शंस. रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीवन. जीरो टॉलरेंस। जब मैं एहसास चलाती थी तो मुझे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा, और मुझे मैं एमएनएस एमपीएस हेटेड मी, दे हेटेड मी, क्योंकि जो वो उनकी आस्क होती थी, जो चीज वो मांगते थे, वो ये कहते थे जी ये हमारी लिस्ट है, ये हमारे बंदे हैं, इनको किसी तरह बेनिफिट्स देना शुरू करो, ये हमारे लोग हैं, मेरी जगह में इसको पोस्टिंग करो, उसको उधर डालो. एंड आई यूज टू से मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये रूल्स मैंने बनाए हैं और मैंने अपनी डिस्क्रेशन खत्म कर दी है. और मुझे खान साहब की इसमें बहुत सपोर्ट होती थी. सो दैट वॉज अ सेफ गार्ड फॉर मी कि मैंने रूल्स
अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट किया. जो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम, आपके अपने रूल आप पर भी अप्लाई होते थे। हाँ, मैं, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए. कोई एक्सेप्शन? अगर एट सम पॉइंट पाकिस्तान का स्टेट सिस्टम डिसाइड्स कि हमने वो रिफॉर्म करना है विच विल अल्टीमेटली अलाउ अस टू कम आउट ऑफ दिस क्वैगमायर विदाउट विच वी आर अनएबल टू, डॉक्टर तो साहब फिर जी जी प्लीज। आप उसको अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट करें, फिर का आप कोई एक्सेप्शंस ना करें, बिकॉज व्हेन यू मेक एक्सेप्शंस देन इट्स अ स्लिपरी स्लोप. डॉक्टर साहब एक आपने कहा था ना लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिसी वो हम बिजनेस में कहते हैं पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, अच्छे लोग अच्छे प्रोसेसेस अच्छी टेक्नोलॉजी, ये तीन का जब मिलाप होता है ना तो फिर आपका जन्नत आपको मिलती है। आखिरी सवाल, आपने एक 2013 में एक पेपर लिखा था रिफ्लेक्शंस फ्रॉम योर टेन्योर एज ए मिनिस्टर लानसेट, बड़ी उसकी तारीफें भी की गई थी। वो जो आपके जो लेसन्स थे उस पेपर में और जो एहसास के लेसन्स थे, जरा कंपेयर करके इसको फिर सम अप करते हैं। मैंने आपका सेशन बहुत जल्दी करना है अगला, जिसके अंदर हम रिफॉर्म की बात करेंगे, गवर्नेंस रिफॉर्म की, ठीक है जी। और एक मैंने आपका करना है अंग्रेजी में कि इंग्लिश स्पीकर डायस्पोरा जो है पाकिस्तान का, वो भी आपकी बात सुने जी। देखिए, अब जब मैंने वो लैंसेट पेपर लिखा था तो मेरा 3 महीने का एक्सपोजर था. मेरी कुछ की इन्फ्रेंसेस थी. एक इन्फ्रेंस ये थी कि करप्शन इज नॉट द एक्सेप्शन, दैट इज द नॉर्म. करप्शन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और दे आर सिस्टमैटिक रेंट सीकिंग मैकेनिज्म्स. वो मेरी इन्फ्रेंस अभी वहीं की वहीं खड़ी है कि करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है. जब अच्छे लोग ऊपर आते हैं, जब जैसे कोई मिनिस्टर होता है वो करप्ट नहीं होता, तो वो अपना शेयर तो नहीं लेगा, मगर कुछ चीजें बड़ी वेल इनग्रेन्ड हैं, नंबर 1. जो दूसरा मेरा इन्फ्रेंस था वो ये था कि जब आप गवर्नमेंट में कोई चीज सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम के ऊपर मिनिस्ट्री का नाम नहीं लिखा होता. ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, इसका ये एग्जीक्यूशन इंजन बनाना है, उस पे ये नहीं है कि बस एक ही मिनिस्ट्री में ही वो सोल्यूशन बनना है. यू हैव टू बोरो कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज फ्रॉम द पब्लिक सिस्टम, फ्रॉम द प्राइवेट सिस्टम. और वो मैंने अपनी एग्जीक्यूशन में देखा कि आधे वक्त मैं दूसरे मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी से बात कर रही होती थी, रेगुलेटरी एजेंसीज से बात कर रही होती थी कि जी मुझे ये फैसिलिटेशन चाहिए. तो और लैंसेट पेपर में मेरा इन्फ्रेंस ये था कि द गवर्नमेंट नीड्स न्यू कॉम्पिटेंसीज टू एग्जीक्यूट, द गवर्नमेंट सिस्टम हैज अ फ्लॉ. क्योंकि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इज वन एंटिटी. गवर्नमेंट इज नॉट वन एंटिटी, इट्स एन आर्किपेलागो ऑफ मेनी डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज विच हैव अ डिसइंसेंटिव टू कोलैबोरेट. क्योंकि मेरा अपना बजट है, कॉमर्स का अपना बजट है, एजुकेशन का अपना बजट था, दे हैव अ डिसइंसेंटिव टू कोलैबोरेट. तो हमें एसेट एलोकेशन मैपिंग और जॉइंट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के नए मेट्रिक्स चाहिए. और वो मेरा इम्प्रेशन रीइंफोर्स हुआ. तीसरा मेरा उस वक्त भी ये इम्प्रेशन था जो रीइंफोर्स अब ये हुआ कि जी हम गवर्नमेंट जब बनाते हैं तो हम कैबिनेट बनाते हैं, की अपॉइंटमेंट्स बनाते हैं, 3 साल बस यही काम करते रहते हैं जी, फलाने इदारे का क्या करना है, फिर सिफारिश कहाँ से आई है, कंपेटिटिव बिडिंग में जॉब, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स एंड ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क्स. मगर द थिंग दैट रियली मैटर्स फॉर गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, और आप ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की बार बार वेरी राइटली बात करते हैं, जिस इदारे में परफॉर्मेंस सही परफॉर्मेंस रिवॉर्ड ना हो, इंसेंटिव्स मिस अलाइंड हो और कोई जवाबदेही का निज़ाम हो, आप आसमान से ऑर्गेनाइजेशन ले आए, वो कभी नहीं चलेगी. बिल्कुल तो तीसरा मेरा ये इन्फ्रेंस था. मगर जब मैंने गवर्नमेंट में डीपली काम किया तो मेरा एक और इन्फ्रेंस जो पिछले केयरटेकर जमाने में नहीं था, वो ये कि किस तरह से पॉलिटिक्स हर चीज को ट्रंप करती है.
कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हर चीज से सुप्रीम किस तरह होती हैं, और पॉलिटिशियंस के लिए अपना सर्वाइवल, अपना नाम, अपना इमेज क्यों हर चीज से ज्यादा सुप्रीम होता है, वो किस शिद्दत से होता है, वो मैंने जब बहुत डीपली काम किया तो वो मैंने तब देखा। जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो तुम्हें चंद घंटे और चलना है, लेकिन वी आर कमिंग टू द क्लोज ऑफ द ईयर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ गवर्नेंस के ऊपर हमारा पिछला भी वादा था, ये आपने मुझे आज वादा करके जाना है कि ये अगले हफ्ते आपने आना है मेरे साथ, ठीक है? I'll try to do my best. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, डॉक्टर सानिया निशा से इजाज़त मांगते हैं। माशाल्लाह, मैं बिल्कुल ये पेट्रनाइजिंगली नहीं कह रहा, मैं उम्र में से काफ़ी बड़ा हूँ वैसे, लेकिन मैं पेट्रनाइजिंग नहीं कह रहा। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सानिया निस्टर जैसी खातून या ये खुद, इनको पाकिस्तान की बाग दौड़ संभालनी चाहिए, इमरान खान जैसे आदमी के अंडर, किसी टेक्नोक्रेट या केयर टेकर या ये जो चूचू का मुरब्बा टाइप बनाने की कोशिश लोग कर रहे हैं उसमें नहीं, उधर ये फेल हो जाएंगी। इनको एक, इनका जो ऊपर इनका जो लीडर हो वो ऐसा होना चाहिए जो सादिक और अमीन हो, इमरान जैसा। ये मेरी दुआ है, अल्लाह सुब्हान ताला इनको, इनके अहल याल को, उनके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले उनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कि ये एक अच्छा पाकिस्तान हम देखें। बहुत वक्त लगेगा, 5-10 साल लगेंगे, लेकिन सानिया निस्टर जैसे लोग अगर होंगे लीडरशिप रोल्स में तो इंशाल्लाह ये मुल्क ज़रूर फलेगा फूलेगा। और जो लोग बेचारे इस जद्दोजहद में शहीद हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और हमारे जो बेचारे औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े जो इस वक्त कैद हैं, टॉर्चर में हैं, और जो इमरान रियाज खान है, अल्लाह सुब्हान ताला इनकी मुश्किलें आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। डॉक्टर सानिया निशा, थैंक यू वेरी मच, इलाही आमीन, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़।